अरे नमस्कार मिश्रा जी, अरे गाढ़ा बढ़िया पड़ रहा है इस बार के। नहीं, वो पुराने दिनों की अब बात नहीं है। हम इसी बुशर्ट के अंदर स्वेटर पहन लेते हैं। देखिए, आदमी को जो जाड़ा है वो लगता है भीतर से। मेरा मानना है कि अगर आदमी भीतर से सुरक्षित है तो है। अरे उनको पता है बेटा, हम कौन सी लेंगे, नया लड़का रखे हैं क्या मिश्रा जी? बेटा, दिन में 4 बार का है हमारा, हमसे नहीं पूछना पड़ता। चलो पानी, बिस्कुट निकालो, पानी दो। चलो अच्छा बेटा, देखो ऐसा है कि कोरोना फैला है। क्यों फैला? इसलिए फैला कि लोग मान गए कि कोरोना नहीं फैलेगा। सरकार के बताने से पहले हम बोल दिए थे सर भाई कि आएगा दोबारा और फैलेगा। अरे नमस्कार नमस्कार भैया, आपका तो एकदम दर्शन दुर्लभ हो गया है। एक ही शहर में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में पढ़ाई है। फोटो देखने को मिलता है फेसबुक पर, दिखाते नहीं हैं। अरे छुपा रुस्तम निकले या नैनीताल निकल रहे हैं सुने हो? भाभी जी लग रहा है एकदम आजकल लाइन पर लाई हैं आपको। हाँ लग रहा भाभी जी रुष्ट हैं आजकल। हाँ, कुचल के चले जाओ बेटा, इतने हट्टा कट्टा आदमी तुमको दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी समस्या इस देश की युवा होती जा रही है, कोई एकदम कोई तमीज नहीं रह गई है। बताओ, धक्का मारा था मैं, सॉरी अंकल अगर। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गया। क्या क्या खुश रखो, अरे मासूम होते हैं सब। अच्छा, सब खराब भी नहीं है, कुछ कुछ हैं संस्कारी जिनको अपने गलती का एहसास है। भाई को है कौन सर से हो बेटा? अरे हम देख के बता सकते हैं कौन है बनारस का कौन नहीं, कहेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम हमारे सामने सिगरेट पियो और हम तुम्हारे पापा से कहें ना। माया पियो पियो। युवा आज का जानकार नहीं, सिगरेट पी रहा। अरे रमाकांत जी कैसी हैं, जो हमने औषधि बताई थी कुछ काम की? अरे करेगी भाई, चिंचाप के डॉक्टर ने बताया था हमको। लड़का क्या कर रहा है आजकल, हैं? कॉमर्स कहीं दिलवा दिए? अरे पीएचडी करता है इंग्लिश में, इंग्लिश जरूरी है। देखिए लड़कियों के लिए आजकल ऐसा नहीं है, लड़कियां किसी भी फील्ड में जा रही हैं। पर हाँ, मैं ये मानता हूँ टीचिंग का जाओ, शेप तो है भैया, शेप तो है। कहाँ पढ़ते हो बेटा? नहीं अच्छा, डॉक्टर बनोगे? अरे 6 फुट 2 इंच लंबे लगते हो, माडल ओडल बनो। देखें हम लोग बिट्टी बिछा मारे चढ़ के लड़के निकल रहे हैं। नहीं भैया, बेटा भैया करो, पर देखो, अरे पिक्चर में तो खुद हमारा चुना हुआ था, बाबूजी मना कर दिया, तो जाते हैं क्या? अरे सिनेमा ज़्यादा हम नहीं देखते हैं। हाँ, दीपिका पादुकोण की आती है तो कभी कभी जाते हैं, वरना आजकल की हीरोइन हमको उतनी अच्छी लगती नहीं है। देखिए शर्मा जी, बात यह है ना कि हीरो भी अब पेट क्या है, हमारा ये जो पेट है ये क्या है, मसाला तेल यही है ना। अब आप उसको बिस्कुट बना के चाट उठा के दिखाएंगे, छाती पे बाल ना हो मक्खी ना मरे तो क्या मजा है उसमें, है? तो आजकल के हीरो हमको अच्छे लग रहे हो ना, हीरो बात होती थी धर्मेंद्र में, नील कपूर में, चौड़ी छाती, चौड़ा सीना, दारा सिंह में वो बात थी। अरे हमारे रहते आपको यहाँ जमीन के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अरे 4-6 जमीन तो मैं से खड़े खड़े दिखा रहे हैं आपको, आइए, प्रॉपर्टी है बहुत, हमारे हैं परिचय दिखाते हैं। अब फोन आजकल ऐसी चीज हो गई है, कितना वीडियो है देखे बैठो, घंटा 2 घंटा निकल जाता है। अभी का तो ऐसा भैया तमाशा चल रहा है कि पूछिए मत। अरे
अरे उस दिन राय साहब के यहाँ पहुँचे हम बेटा, पूरा शादी वादी फोटो शूट चल रहा है। हम भी चले गए भैया आशीर्वाद दे दे, पापा आ जाते ना है क्या, देखे तो कहे प्री वेडिंग हम ही कहीं का सब नाटक है। तो बताया गया कि लड़का लड़की शादी से पहले फोटो खिंचाते और पूरा सज के तीन चार कपड़ा बदल रहे हैं। हम भाई बहुत माँ हो गया है शादी, आजकल शादी थोड़े है, जब हीरो हीरोइन का अभी देख रहे हैं, युवा आज का यही देख रहा है यही कर रहा है। समस्या ये है इस देश की, समझना नहीं चाहते कि माँ बाप कैसे पैसा कमाते हैं, कितना मेहनत लगता है। अरे आप खुद भी कमाते हैं तो क्या, वह 5 करोड़ का शादी करता है कोई अंबानी? देखिए पूरा देश तो अंबानी हो नहीं जाएगा, बटावा ऐसा ऐसा मोबाइल का मॉडल निकला है। ए बेटा कितने का लियो? भैया जी कितने का पड़ा है? 60,000। तुम तो लग रहा है विद्यार्थी हो, बताओ भैया 60,000 का लड़के फोन लेके घूम रहे मित्रा जी, बड़ा 5 रुपया का चाय फिर क्या पी रहे हो यहाँ? वो बोलेगी हमारे लड़के में वो जिद नहीं। अच्छा हमारा तो लड़का ही नहीं है। युवाओं को समय का अपना ध्यान नहीं है, युवाओं को ये पता नहीं है कि समय का सदुपयोग कैसे करते। अरे जल्दी क्या है भाई, आराम से चुपचाप बना, हम कहाँ जा रहे हैं भाई। अरे बड़ा चौचक गाड़ी खरीदा है भाई, 40,00,000 रुपया लगाया है और शोरूम खोला है एकदम मामूली पैसा है उनके पास। नहीं देखिए समस्या ये नहीं है, भोला सिंह के यहाँ के जब पिताजी मरे उनके पिताजी सारी प्रॉपर्टी बराबर बांटे थे, वो जबरी हड़प के बैठा है। दिक्कत ये है तो मुकदमा तो ठोकेगा छोटा भाई। भाई अब पुश्तैनी चीज पे एक आदमी का तो अधिकार रहेगा नहीं, समझना। देखिए सरकारें बदलती रहेंगी, समस्याएं वही, जो समस्या सुलझाएगा भाई वही ठीक है। क्या मोदी क्या राहुल क्या बसपा है। अरे लड़की अभी हमारी 23-24 साल की है, निकाली थी पीओ का जॉब लग गया। हम भी बैठते हैं दुकान पर कभी कभी, नहीं तो सिंह आपके यहाँ तो लगे ही हैं। अरे क्यों फोन आ गया बेटा, कचौड़ी लेके आए बिटिया खाओ, मम्मी से पूछो। मम्मी से ना पूछो तो भाई कला हम मच जाता है, हम किचाइन हो जाएगा घर में। मम्मी समझती रहे बाकी सब बढ़िया, अभी चलेंगे मटर छीलेंगे, चूड़ा मटर बनने वाला, चलिए खाइए आ जाए चहिया बना दे बाबा।